इनेलो नेत्री कलावती सेन के गांधीनगर स्थित घर पर देर रात शरारती तत्वों ने किया हमला। घर के तोड़े शीशे, डीसी और एसपी के संज्ञान में आया मामला। कुरुक्षेत्र का गांधीनगर क्षेत्र सबसे बदनाम एरिया माना जाता है। अक्सर आए दिन इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में बदमाश जरा भी नहीं संकोच करते। इस क्षेत्र में सरेआम अवैध शराब, स्मैक, हीरोइन, अफीम, गांजा का बेखौफ कारोबार हो रहा है। जरा जरा सी बात पर नशेड़ी किस्म के शरारती तत्व हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। ऐसा ही एक मामला इसी क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां देर रात जरा सी बात पर कुछ नशेड़ी किस्म के 10 से 15 युवकों ने इनेलो की वरिष्ठ नेत्री कलावती सेन के घर हमला बोल दिया। अज्ञात युवकों ने घर के शीशे, सीसीटीवी कैमरे और बिजली की मीटर को भी तोड़ दिया। घर पर मौजूद नेत्री के बेटी ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो नेत्री कलावती सेन ने बताया कि बीते दिन उनके घर के पास कुछ नशेड़ी युवक खुले में पेशाब कर रहे थे। वहां से गुजरने में उन्हें परेशानी हुई। इतना कहकर अपने बेटे के साथ ब्रह्म सरोवर पर रोजाना की तरह सैर करने के लिए निकल गए। रिपीट, इसके बाद उनके पति ने फोन पर बताया कि घर पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। उन्हें मात्र टोकने के चलते उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। उन्होंने बताया कि 10 से 15 नशेड़ी किस्म के बदमाश युवकों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे, खिड़कियों के शीशे और बिजली के मीटर को बुरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति और बेटी ने घर के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत थाना कृष्ण गेट में सौंपी गई है। इसके साथ ही आज कुरुक्षेत्र उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी लिखित शिकायत देकर मामला संज्ञान में डाला गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं, अवैध शराब, नशा तस्करी, लूटपाट और हत्याएं जैसी वारदात होती रहती हैं, जिसके कारण क्षेत्र के लोग काफी दहशत में रहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में एक स्थायी तौर पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बता दें कि पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में मामूली कहासुनी पर 4 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग इस क्षेत्र में स्थायी तौर पर पुलिस चौकी स्थापित करने की है। मैं उधर से आई थी, किसी काम से करके पैदल पैदल में आ रही थी, और यहाँ पे दो लड़के वॉशरूम कर रहे थे बीच में बिल्कुल चौक के। तो जब वो वॉशरूम, पहले तो एक लड़के ने वॉशरूम किया, वॉशरूम करते ही मतलब कि दूसरा वॉशरूम करने लग गया। मैं वहाँ कम से कम 3-4 सेकंड, 3-4 मिनट वहाँ रुकी। मैंने कहा ये चले जाएंगे फिर निकलूँगी। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटा तुम यहाँ बीच चौराहे पे वॉशरूम ना किया करो, अच्छी बात नहीं है, और अपने घर चले जाओ, मौसम ख़राब है। तो ये बात सुनते सुनते मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी ऐसे, भाई मम्मा बोल रही है, पता नहीं क्या बात है, पड़ोसी भी आ गए। तो उनको समझाया, भाई तुम लोग जाओ, नशे की हालात में हो, फायदा कुछ नहीं है। मैं और मेरा बेटा उसी टाइम, हम तो निकल गए ब्रह्म सरोवर की ओर सैर करने के लिए, क्योंकि मेरा सैर का टाइम हो रहा था, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी घर पे थी। इनका फ़ोन, हम ब्रह्म सरोवर पहुँचे ही थे, बेशक वहाँ की सीसीटीवी फुटेज ले सकते हो, पीपल के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे हम पहुँचे ही थे दोनों माँ बेटा, कि फ़ोन आ गया कि घर पे हमला कर दिया है। और वो ही दोनों लड़के आगे सबसे प्लेटफार्म पे थे, और उसके बाद उनके साथ ही कम से कम 10-12 गिरोह था पूरा ही, जिन्होंने आके पूरी तोड़फोड़ मचाई, अटेम्प्ट मर्डर करने की कोशिश की है। अगर हमारे में से कोई घर से बाहर होता तो हम जिंदा नहीं रहते। कितने लोग थे और कहां के हैं? 10-11 लड़के थे कम से कम, और सारे कीर्ति नगर के और गांधी नगर के हैं। इस मामले में आपने शिकायत दी? हमने शिकायत दी है SHO कृष्णा गेट चौकी भी दी है, और SP साहब के पास भी दी है, और अपने DC साहब से भी बात करके और एप्लीकेशन दे के आए हैं। उन्होंने भी हमारे SP साहब को लिखा है। परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि यहाँ पे क्या ऐसे ही हर रोज ही का काम है, एक दिन का काम नहीं। आज मेरे घर हुआ, ये हर रोज होता है, ऐसा ऐसी दुर्घटनाएं हर रोज घट रही है। ये पीछे राजू का मर्डर हुआ था, ये विनोदी का मर्डर हुआ था, मर्डर तो यहाँ ऐसे हो रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। वहाँ भी कोई बात ही नहीं हुई थी, राजू ने भी नहीं कहा था कि भाई तुम थोड़ा सा रास्ता दे दिया करो निकलने का। शहर का बीचों बीच का एरिया है, पुराना बाईपास है, सरियाम कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, वेश्यावृत्ति के धंधे यहाँ होते हैं, लोग घरों में घुस जाते हैं, परंतु प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा है बिल्कुल ही। मतलब कई बार तो कॉलोनी पूरी की पूरी इकट्ठी होके
प्रशासन के पास गई है, एसपी के पास गई है। अवैध कुर्ते बंद होने चाहिए, देह व्यापार बंद होने चाहिए, नशा तस्करी पे रोक होनी चाहिए। हम तो एक बात मानते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, वरना ऐसे ऐसे मर्डर तो यहाँ आम बात होगी। क्या कुछ नुकसान? बहुत नुकसान हुआ हमारा, तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, 5-6 तो कैमरे तोड़े इन्होंने, और हमारी तो जान माल का खतरा सबसे बड़ी बात है ना। नुकसान तो आदमी जिंदा रहेगा फिर भी भुगत लेगा, परंतु जान माल का खतरा हमारे ऊपर, खतरे के पूरे बादल मंडराए हुए हैं। हम प्रशासन से और आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि वह इन लोगों पर नकेल कसी जाए, और मीडिया के माध्यम से भी ये कहेंगे कि आप लोग भी हमारी मदद करो, कि आज राजू का मर्डर हुआ था, कल को हमारा भी नंबर है, मेरे घर का तो नंबर शुरू हो गया अब, मतलब कि इन लोगों ने शुरुआत कर दी है, ये लोगों के तो हौसले बुलंद है। और हम प्रशासन से ये कहते हैं कि यहाँ पे चौकी बनाई जाए, और चौकी की मांग पहले भी लिख के दी थी, और अभी भी हमारी ये मांग है कि यहाँ पे बीचों बीच शहर का इतना बढ़िया एरिया, यहाँ के जो अवैध कुर्ते हैं बंद होने चाहिए बुरी तरह से। और पहले भी यहाँ पे 3-4 मर्डर हो चुके, क्या प्रशासन मर्डरों की इंतजार करता रहेगा, और कितनी बलियाँ यहाँ पे मर्डरों की चलेंगी। मेरी तो यही अपील है कि भाई अगर मेरे जैसा आदमी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का कितना बुरा हाल होगा, जो कि यहाँ से MLA का चुनाव मैंने लड़ा है, और इतना मतलब कि काम लोगों की सेवा दिन रात करती रहती है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, पर्सनल लड़ाई नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, या तो वो भी हमारे किसी से कोई पर्सनल लड़ाई हो झगड़ा हो, फिर भी हमें लगे कि भी चलो किसी ने कुछ कर दिया होगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और इस पूरी बस्ती में कृष्णा गेट जो चौकी है ना, यहाँ भी एक चौकी जरूर होनी चाहिए, ताकि हमें लोगों को इंसाफ मिल सके और लोगों को निजात मिल सके, सभ्य समाज का अच्छा निर्माण हो सके। जय हिंद, जय एकता, जय भारत। मैं क्या मामला हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जैसा कि मैम ने बताया कि कुछ 2-3 लड़के यहाँ पे नशे में की हालत में थे, यहाँ बाथरूम कर रहे थे, मैडम ने उनको रोका ही था कि उन्होंने इनके साथ बातचीत करी और ये अपने घूमने चले गए। उसके बाद ये काफ़ी 10-15 इकट्ठे होके आए, इन्होंने इनके घर के ऊपर पथराव किया और कैमरे वगैरह तोड़े। लगातार यहाँ पर अपराधी घटनाएं घट रही है, तो क्या कुछ लोगों की मांग है कि चौकी यहाँ स्थापित? हाँ, चौकी यहाँ पे खुलनी चाहिए, यहाँ पे नशा और वेश्यावृत्ति का ज़्यादा चाल चलन, हम इसकी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, तो कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल, हिंदी।